अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, आज कौन सी गाड़ी शेयर करने वाले हैं हमारे साथ? ये हमारे पास टोयोटा एक्वा जीआर है, 2017 मॉडल है, 2022 फ्रेश कराची कस्टम ऑक्शन है। अच्छा, 4 ग्रेड 100% वेरीफाइबल है। ये एक्वा में जो स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है, गोजो रेसिंग जीआर बोलते हैं, तो वो वाला वेरिएंट है। इसमें हमारे पास गोजो रेसिंग की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, तो स्टार्ट फ्रंट से लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस कर लेते हैं। टोयोटा एक्वा में हमारे पास नॉर्मल हैलोजन लाइट्स वाली भी आती है, ठीक है, फिर एलईडी लाइट्स वाली आती है, और उसके बाद एलईडी लाइट्स विद डीआरएल लाइट्स इसके होते, तो ये वाली भी आती है। इस जीआर में हमारे पास एलईडी भी है और विद डीआरएल है। एक्वा जीआर में हमारे पास गोजो रेसिंग का जो ये फ्रंट बम्पर होता है, गोजो रेसिंग का एम्बलम होता है, साथ में ये क्रोम ट्रिम्स होते हैं, इसके ये फॉग लाइट्स भी चेंज होती हैं, ठीक है, ये एयर इनलेट्स भी चेंज होती हैं इसमें, क्योंकि कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ठीक है, फ्रंट ग्रिल चेंज होती है। मतलब एक्वा में सादा और जीआर में मेन जो डिफरेंस मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके फ्रंट कॉस्मेटिक चेंजेस ही है, ट्यूनिंग थोड़ी एडवांस होती है लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस ही है। फ्रंट बम्पर इसका चेंज होता है, गोजो रेसिंग वाला होता है, इसके साथ ये क्रोम ट्रिम्स होती हैं, गोजो रेसिंग एम्बलम होता है, रियर बम्पर भी हमारे पास गोजो रेसिंग वाला होता है। इधर हमारे पास साइड पैनल पे भी साइड जो ये फेंडर है, गोजो रेसिंग का एम्बलम आ रहा है। नॉर्मली गोजो रेसिंग में हमारे पास 18 इंच रिम्स होते हैं, लेकिन इसमें ये 16 इंच रिम्स आए हुए हैं। टोयोटा एक्वा जीआर में हमारे पास ये साइड स्कर्ट्स भी आ जाती हैं। साइड स्कर्ट्स हमारे पास मॉडलिस्टा किटेड एक्वा में भी आती हैं, और जीआर में हमारे पास ये साइड स्कर्ट्स आते हैं। रेयर व्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये गोजो रेसिंग एम्बलम और रेयर जो बम्पर किट होती है, तो वो गोजो रेसिंग की होती है, इट इज़ नॉट ऑफ सिंपल एक्वा। रेयर स्पेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एक्वा की ही तरह होती है, लेकिन इसमें हमारे पास ये हाफ लेदर सीट्स आ जाती हैं, सेंटर में फैब्रिक होता है, वो भी लेदर फैब्रिक होता है, और साइड्स पे ये लेदर ट्रिम्स होते हैं हमारे पास, और इंटीरियर इसका फुल ब्लैक है, आप देख सकते हैं फुल ब्लैक इंटीरियर है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो फ्रंट पे इसका एक ऑटो विंडो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये लेदर स्टिच्ड हमारे पास ही जो हैंड रेस्ट आ रहा है डोर का, ठीक है, क्रोम ट्रिम जिसमें फिर आ रहे हैं हमारे पास, डोर लॉक अनलॉक आ रहा है। सीट्स की अगर हम बात करें तो इसकी फ्रंट सीट्स हमारे पास बकेट सीट्स आती है, नॉर्मल एक्वा में या लेदर सॉफ्ट में भी बकेट सीट्स नहीं होती, इधर हमारे पास गोजो रेसिंग के एम्बलम के साथ बकेट सीट्स आ रही हैं, और बहुत इंतहाई नॉर्मल एक्वा से ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है। इसके फ्लोर मैट्स की भी अगर हम बात करें तो गोजो रेसिंग का एम्बलम है इसके फ्लोर मैट्स के ऊपर भी। पुश स्टार्ट बटन की अगर हम बात करें तो इधर भी हमारे पास गोजो रेसिंग एम्बलम आ रहा है, क्रूज कंट्रोल इसमें जेन्युइन होता है। अच्छा, ये गोजो का आप बता सकते हैं, मैं भी कुछ समझ जीआर के नाम से, ये कम नहीं है, मॉडिफिकेशन कम नहीं होती है, डिफरेंट। अच्छा, जो टोयोटा को अभी ऑफर कर रही है, अभी इवन लैंड क्रूजर हमारे पास जीआर आ रही है, जिस तरह टीआरडी होती है इसी तरह गोजो रेसिंग है। अच्छा जी, ठीक है। फ्रंट डैश पैनल की अगर हम बात करें तो ये स्टिच्ड भी है और लेदर है, बहुत अच्छा लुक उन्होंने दिया हुआ है। गियर लीवर की अगर हम बात करें तो वो भी हैंड स्टिच्ड है और लेदर है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात इसमें हैंड रेस्ट की है, क्योंकि हैंड रेस्ट नॉर्मल एक्वाज में नहीं होता, ये लेदर स्टिच हैंड रेस्ट है जो एडजस्टेबल भी है। स्टीयरिंग भी इसका हैंड स्टिच्ड है और लेदर है, ठीक है। बाकी जो क्रूज कंट्रोल इसमें जेन्युइन आता है, नॉर्मल जो एसी पैनल है वो भी नॉर्मल है। सस्पेंशन इसमें दो टाइप्स की आती है, एक कॉइल ओवर्स होते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एक्वा की सस्पेंशन होती है, तो नॉर्मल एक्वा की सस्पेंशन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और जो हमारे पास आती है दूसरी वो स्टिफ होती है। नहीं तो स्टिफ अच्छा होता है कि स्टिफ अच्छा नहीं होता, हमारी रोड्स के लिए सॉफ्ट ही अच्छा होता है, मैं तो खुद प्रेफर करता हूँ कि अगर उसमें कॉइल ओवर में, क्योंकि स्पीड बम्प्स लगते हैं। अच्छा, तो ये बस थोड़ी सी ड्रॉप है और नॉर्मल सस्पेंशन के साथ है, तो बहुत कंफर्टेबल राइड है। सही सही। अच्छा, दूसरा फैसल भाई, लोग पूछते हैं कि आप जो एक बार एक वीडियो में आपने मेंशन किया था कि वो मोबिल ऑयल के लिए आपने कुछ बताया था कि वो कुछ कंपनी आपने बताई थी, मोबिल ऑयल प्रोफिकार मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी भी है, बहुत अच्छा मोबिल ऑयल भी है, साथ में ट्रांसमिशन फ्लूइड का आजकल लोग ख्याल नहीं रख रहे, तो ट्रांसमिशन फ्लूइड का बहुत ख्याल रखना चाहिए,
अच्छा नहीं, गर्मी सर्दी का वो पूछ रहे थे, गर्मी भी ये डाले और सर्दी तो इंजन है, इंजन तो गर्मी में भी जितना गर्म होता है उतना सर्दी में भी उतना ही गर्म होता है। तो कोई मोबाइल ऑयल तो इंजन के अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता, ये तो पिस्टन मूवमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा ये लिक्विड इंजीनियरिंग है, ये कोई वो हमारी घी वाला हिसाब नहीं है कि भाई गर्म हुआ तो पिघल गया और इस तरह नहीं है बिल्कुल भी। और ये अभी साथ में बताएं, ये बहुत ही जरूर पूछना था मैंने कि नॉर्मल एक्वा और जीआर जो स्पोर्ट्स वर्जन इसका, इनके फ्यूल कंजम्पशन है उसमें फर्क होता है कि नहीं? कुछ हल्का कंजम्पशन टोटली आपके फुट पे डिपेंड करता है। अभी एक एक्वा आई हुई है या एक एक्सियो है या प्रियस है तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है कंजम्पशन। आपके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह मेंटेन कर रहे हैं गाड़ी को, तो वो अकॉर्डिंगली। और नॉर्मल ये 25 ही देती है ना, 25 के लगभग, 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर। इसमें लोकल हो गया, सेमी लोकल हो गया, लॉन्ग हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 20 एवरेज इसकी सही है। और इस गाड़ी के उसके माइलेज के हवाले से भी बताएं कि कितनी चली हुई है? 5000 चली हुई है, 1,05,000 किलोमीटर चली हुई है, 4 ग्रेड वेरीफाइबल है। अच्छा। कराची कस्टम पोर्ट की ऑप्शन है, जो लेफ्ट ओवर कार्स होती है ना, तो ये कराची कस्टम पोर्ट की ऑप्शन की गाड़ी है और 100% वेरीफाइबल है। 17 मॉडल है, 22 इम्पोर्ट है। 5.5 मिलियन हम इसकी आस्किंग कर रहे हैं। अच्छा। और वन ऑफ इट्स काइंड है क्योंकि फ्रेश क्लियर गाड़ी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, मैंने खुद भी चेक की, फ्रेश क्लियर गाड़ी। सिर्फ इसके ये क्रोम ट्रिम्स थोड़ा सा इस पे रस्ट है क्योंकि गाड़ी काफी टाइम कराची तो काफी वो इंशाल्लाह हम ट्रीट कर रहे हैं, सेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स एक कंप्लीट व्यू आप लोग के साथ मैंने शेयर की, अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो इस गाड़ी में तो बिल्कुल यहाँ पे अलमास कार विलेज रिंग रोड पेशावर पे आ सकते हैं, गाड़ी चेक कर सकते हैं। और 55 लाख रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे कुछ कंसेशन हो भी सकती है, और ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ये फुल एंड फाइनल प्राइस है। कांडी, हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।